अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला। शाह ने कहा कि भारत भर में लोग संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की शुरुआत का आनंद उठा रहे हैं। ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अफसोस की बात यह है कि विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है, और इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह है कि प्रतीकात्मकता को छोड़कर कांग्रेस कभी भी महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं रही। या तो उन्होंने कानूनों को समाप्त होने दिया या उनके मित्र दलों ने विधेयक को पेश होने से रोक दिया। उनका दोहरा चरित्र कभी छुपेगा नहीं, चाहे वो श्रेय लेने के लिए कितने ही स्टंट क्यों ना कर ले। यार रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कैबिनेट की बैठक, सूत्रों के हवाले से महिला आरक्षण बिल पर लगी मुहर, सरकार कल सदन में पेश कर सकती है बिल। इटावा में अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने वाले 3 अराजक तत्व गिरफ्तार, 16 तारीख की घटना, मध्य प्रदेश के रहने वाले सभी। अंबेडकर नगर में पुलिस के धर्मांतरण के 6 अभियुक्तों पर बड़ी कार्रवाई, सभी पर लगा गैंगस्टर एक्ट, लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने का बनाते थे दबा। सुल्तानपुर में महिला पर जानलेवा हमला कर नहर में फेंकने के मामले में कार्रवाई, 2 आरोपी अरेस्ट, महिला की हालत स्थिर। औरैया में माता पिता की हत्या मामले में बेटे और बहू गिरफ्तार, संपत्ति विवाद को लेकर की गई थी हत्या, 15 सितंबर की वारदात। इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार, लूटे गए मोबाइल, 315 बोर का एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। बहराइच में बीती रात जिला अस्पताल में रही बत्ती गुल, रात भर मरीज और तीमारदार रहे परेशान, शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं थी लाइट। देशभर में गणेश उत्सव की धूम, मुंबई में लालबाग श्री राजा के दर्शन को उमड़ी भीड़, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। लखनऊ में विजिलेंस टीम ने लेखपालों को 15,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूस लेने का आरोप। आगरा में लड़की के साथ उसके घर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया दारोगा, गांव वालों ने दारोगा को घर में बंधक बनाकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अयोध्या में बजरंग दल के सदस्यों ने हाईवे पर ट्रक रोक कर किया हंगामा, पश्चिम बंगाल से भैंस के नाम पर गोमांस की सप्लाई का आरोप, पुलिस ने ड्राइवर को कस्टडी में लिया, मांस का सैंपल की जांच के लिए भेजा गया। कानपुर में छात्र के परिजनों में प्रिंसिपल ऑफिस में घुसकर टीचर से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, छात्र को पनिशमेंट दिए जाने से नाराज थे परिजन। लखनऊ में कार पार्किंग को लेकर बीजेपी नेता पर दंपत्ति से बदसलूकी और हाथापाई का आरोप, महिला ने भी बीजेपी नेता को जड़ा थप्पड़, काफी देर तक चलता रहा हंगामा, वीडियो वायरल। मैनपुरी में चोरों ने एक ही गांव में 3 घरों को बनाया निशाना, लाखों रुपए के जेवरात और कैश लेकर फरार हुए, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। अमरोहा में पेशे पर आया बंदी पुलिस को चकमा देकर कोर्ट से परिसर से फरार हो गया, गाड़ी चोरी करने के मामले में मुरादाबाद जेल में बंद था वाजिद, फरार बंदी की तलाश में जुटी पुलिस। वाराणसी में बीएचयू के प्रोफेसर को मॉर्निंग वॉक के दौरान छात्रों ने पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद, केस दर्ज कर आरोपी छात्रों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में 6 सितंबर को बिजली का करंट लगने से युवक की मौत के मामले में नया मोड़, मृतक के परिवार वालों ने रिश्तेदार पर लगाया हत्या का आरोप, एसएसपी ने लगा इंसाफ की गुहार। लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया हंगामा, पंजाब में रहने वाले पत्नी ने दी थी तलाक की धमकी, एसडीएम के समझाने के बाद नीचे उतरा। हरदोई में खुलेआम उड़ाई जा रही शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान की धज्जियां, स्कूल में बच्चों से सिलेंडर ढुलवाने का वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। कुशीनगर में पति से विवाद के बाद नदी में कूदी महिला, नाविक ने बचाई महिला की जान, पुल के ऊपर फोटो खींचने को लेकर हुआ था विवाद। सीतापुर में शिक्षा विभाग में बड़ी लापरवाही, दूसरे जिले से तबादला लेकर आए 360 टीचर्स को 2.5 महीने से नहीं मिल पा रही तैनाती, बीएसए दफ्तर में लगी हाजिरी। सीतापुर में कुत्तों का आतंक, 2 दिन में 7 बच्चों समेत 12 लोगों पर डॉग का अटैक, कुत्ते के हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। गाजियाबाद में कुत्ते के हमले की घटनाओं के विरोध में पशु प्रेमियों ने घर के बाहर प्रदर्शन किया, पशु प्रेमी